कोई है क्या? घर में कोई है क्या? कौन है बेटा तू? चली जा मेरी अंकित है। तेरी मरी मरत जवान छोरा खोद दिया हमने, क्या कह ले नहीं, चली जा। ये क्या कह रहे हैं आप पिताजी? मुझे तो इस सब के बारे में कुछ पता भी नहीं था। रहने दे, मैं तुझे कह रहा तू चली जा अंदर तक। सारा सांग भर के रो के दिखा दी, ये ड्रामे ना करे, तू चली जा, मुझे पता मेरे कितना दर्द है। तेरी समझ में आई नहीं की बात? नहीं पिताजी, पिताजी आप मेरी बात तो सुनिए, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। बर्लिकन, पिताजी मेरी बात सुनिए, इस सब में मेरी कोई भी गलती नहीं है और मुझे तो ये सब पता भी नहीं था। ये आंसू, ये घड़ियाली आंसू मजा ना दिखावे, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, इस सब में मेरी कोई भी गलती नहीं है, मुझे इस सब के बारे में कुछ पता भी नहीं था। पर आप मुझे ये तो बताइए, ये सब हुआ कैसे? चल खड़ी हो, पांच और खड़ी हो। तुझे कुछ नहीं पता? नहीं पिताजी, सच में मुझे कुछ भी नहीं पता। बताऊं क्या भैया, इतना हंसता खेलता परिवार था मेरा, पता नहीं किसकी नजर लगी। पूजा बेटी। जी माँ जी। दो कप चाय बना ला। लाई माँ जी। हुक्के का काम है बस, और कुछ काम नहीं दिल्ली करता ही है। हुक्के की तो छोड़ तू, मैं बताओ योगेश गया खेत में ना गया? बोलो चाय वाय पी के तो जाओगा खेत में को, या खाली पेट ही फावड़ा बजवा दू उनसे? अरे छोटा ना बाबू, उठा के ना उठा बोलो, उठ जाओगा वो भी, ये कमेर करवाओ उस पे, अभी उसकी खेलन खाने की उम्र है, तो लेन दो। सारी जिंदगी खेलन खाने के ही दिन रहेंगे, उसके कुछ करेगा कि नहीं करेगा, करण तो तू नहीं दे। कर लेगा, सब आ जाएगी उसे समझ, जब ब्याह हो जाएगा उसका। ब्याह होगी के करण की? ब्याह ये कल आ जा, दहेज मांगी क्या कर उसकी? ऐसी बात बता रही, ब्याह तो पहले सब पागल ही अंडे, हम पागल ही थे, बेअकलू का ब्याह कर देगा कोई? कैसा बाप है तू, बालकों की जान को आ जा। अरे एक कहोगे ब्याह, उसका भी हो जाएगा नहीं? हो जाएगा ब्याह, पेड़े पे लटके तोड़ लिए तू भी, तेरे लाड ने खो रखा वो, अकल का बीज नहीं, अंडा सब दिन धक्के खाता। ब्याह भी हो जाएगा, अकल भी आ जाएगी, सारे ठेके ले अपनी, समय पे सब काम हो जाएंगे। पिताजी मैं खेत पर जा रहा, आज पानी चलेगा। सुन एक मिनट, तू देखो बैठ जा, कुछ खा पी लिया? हाँ जी। ठीक है, खेत में चले जा और फिर आके काम कर लिए, डांगरू को नुआ दुआ लिए, गाज यूज कर दिए, मैं जमा सोसाइटी में कुछ खाद लेना और वो थोड़ा सा लोन दे रहा वो दे कर। पिताजी उस मनोज को भी बता दिया करो कुछ काम, वो फिर है सारा दिन धक्के खाता, मैं खेत में भी करूं और फिर घर आकर भी करूं। अरे वो निकम्मा कुछ कर लेता फिर रोना ही कहीं का था, उस मनोज माशे को तो या नहीं करने दे कुछ भी, कहत सारा देव से कुछ कर लेता तो बैठ जाता रहा। अरे अकल खराब है, बेमतलब की मुझे लग जाओ कहने की नहीं हो,
अरे बालक है, बहुत तेरी लंबी उम्र पड़ी है, कर लेगा काम, जुम्मा हुए रहो। ठीक है पिताजी, मैं जाऊँ खेत पे, बिजली आ गई होगी। ठीक है तू जा, उसका कोई भरोसा ना, वो मायसी जिना में जावे। ले बेटा, ले। सुनी होगी इसके कह रहा, अब खेत में करूं घरू करूं, वो कर लेगा कुछ, फांसी आ जाएगी उसके, डांगरू डोरू को पानी पात पिया लेगा। अभी सो रहा है, उठ जाओगे तो पिया देगा पानी, और वो ना पियाओगे तो मैं पिया दूंगी, कहाँ की आफत आ गई। मैं पिया दूंगी, तेही तो बिगाड़ रखा वो, करण दीजिए सब, इसे मैं ठोंगी। कहाँ है वो? तुम रहन दो, मैं उठा दूंगी। अभी तेह तो उठा लिया, बहुत उठा लिया, उठाती तू उठने देता वो? कहाँ है वो? मार न दियो छोरे का, बता रही हूँ। सोन भी नहीं देता, कैसा बाप है यू? कुछ है ना आगे से ठान का। ओए साहब, बेटा ये छोड़ लो। हाँ क्या बात है, उठ तो ना। ये कोई बात है पिताजी, रात को मच्छर ना सोन देते, दिन में तुम ना सोन देते, और मारने की जरूरत है? जाइए, तू पहले मच्छरदानी ले आ। मच्छरदानी लगा इसके, टिक्का ही डाल लगा रहे जैसे इसके गांव लगते हूं। ये टेम है उठन का, दोपहर हो रहा, जाकर डांगरू घास पानी कर ले। यहाँ दो दो मोटरसाइकिल खड़े की गड्डी खड़ी करा की इठा के बैठ लिखट देगा घर ते। अब करना के है, सारा काम तो मैं करूँ, पर तुम्हें मेरा करा दिखता ही ना। अरे तू हाथ मुंह धो ले, चल तेरा दूध गर्म करूँ। हाँ फूंक मार के छेड़ा करके पिए से दूध गर्म करे, इसका दूध पीने का है ढंग इसका? ऐसे को दूध पिएगा से रुचि की जरूरत नहीं, रुचि बेकार जान लगी सारी। इस बुड्ढे का कल मैंने हुक्का पिताजी करा। आजी सुनो के मैं रोटी ले आई, रोटी खा लो। अरे तू क्यों दुखी हुई, रोटी तो मैं घर आके खा लेता। आजा यहीं बैठ ले, बस बैठ जा। क्यों, मैंने आके गलती कर दी क्या? अरे मैं तो नू लिया ही रोटी, तुम सुबह भूख के आ गए थे ना, मैंने सोचा भूख लग रही होगी तुम्हें। अरे गलती तो ना करी, पर तुझे देखते ही तो मेरी भूख और बढ़ जा। अजी तुम तो हर टाइम मजाक के मूड में रहो, आज मेरा खेतों पे घूमने का मन कर रहा था, इस बहाने से मैं आ गई खेतों पे रोटी लेके। तो चल पहले तुझे खेत में घुमा दूं। अजी मुझे ना देखना कोई खेत वेत, तुम रोटी खा लो। एक बात तो है भाई, खेत में रोटी खाने का अलग ही स्वाद है, और जो रोटी खवाने वाली तेरे जैसी हो तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। के बात है, आज तो घने रोमांटिक हो रहे हो तुम, और खेत में पानी वाली ना लगाना के तुम्हें। अरे पानी पात तो मैं देख लूंगा, पर तू एक बार बताओ, पानी तो याद आया, वो ढोरू को पानी पात पिला दिया था ना मनोज ने? पानी तो पिला दिया उसने, पर वो तो हर टाइम लड़ाई झगड़ा करता फिरो जा। क्यों इब क्या कर दिया उन्होंने? मैं रोटी लेके आ रही थी खेतों पे, रास्ते में एक लड़का मिल गया, उसे जाना होगा कहीं बेचारे को, रास्ता पूछ रहा था वो मेरे से, मनोज आ गया, आके मनोज ने उसमें बजा दिया। क्यों उस पर क्यों बजा दिया उन्होंने? नू कह रहा था उससे कि रास्ता पूछने को तुझे मेरी भाभी मिली कहीं और जाके पूछ रास्ता। भाई यू भी काम धंधा तो कुछ करता है नहीं, हर टाइम लड़ता झगड़ता फिर जा, अब किसी तरह झगड़ा बढ़ गया तो भुगतना हमें पड़ जाएगा। थारा भाई तुम जानो, मैं तो चली घर, माँ जी मेरा इंतजार कर रही होंगी, मुझे बहुत बार होली खेत में।
अरे रोटी दरी खा लियो इन्हें। चल ठीक है जा तू, और मैं भी अपना पानी पाद देखूं। रोटी बाद में ही खाऊंगा, पहले डोल सी पूरी करके पानी पात ही देखूं। मेरा मटकू इन्हें पत्तों को थिल्ले में धर। क्यों पत्तों से बेकू भर रहा है? बाहर तो कोई बकरी भी ना जो इन्हें खा लेगी। अरे तू बवड़ हो गया क्या? चलाएंगे चल। जंगल में डुला रहा खंबा खा। ए भाई यू किस काम आओगी? अरे ये बहुत काम की चीज है, तो थैला खोल। ये मटकू सारी चीज बतानी पड़ेगी क्या? हाँ। और तू बिना फालतू थैला भर रहा, कहाँ से भर रखी इसने? अब ये फूल भरा लग रहा, वैसे के है यू? जिस दिन तू जान जाएगा ना, अरे तू भी तोड़ने लग जाएगा। तू थैला खोल। अच्छा खोल ही। देखिए और भी काम की चीज है। पो दिन ना आके तुझे कुकर छिम जाऊं। अरे समझ तो जब ही आवेगी, जब तू समझाएगा। बस इन फूल पत्तों से भरे लग रहा मेरा झोला। अरे मटकू ये दवा, ये दवाई अगर किसी की लैट्रिन ना आती हो ना तो उसे गोर के प्या दो, पेट बिल्कुल खाली। अरे फिर लैट्रिन बंद करने का भी ढूंढ ले जुगाड़, कभी उसका राम राम सत्य कर दे। मैं तो चुपका धरे रहो, मेरा नाम भी सटकू वेद है, अच्छो अच्छो का इलाज है मेरे पास। अरे मैं भी तो भगत मटकू हूँ, अच्छा अच्छा का भूत भगा दूँ। ओ वैद, ओ भगत, अरे तुम किसके भूत भगा रहे हो यहाँ? अरे यार मनोज आजा, तू तो घंटे दिन में मिला, कहाँ रह लगा जा? अरे सटकू तेने मटकू भी अपनी क्या लगा लिया, तुझे तो कुछ हिला है ही ना, इसे तो कुछ कर लेने दे। अरे मनोज क्या बात कर रहा, हम यहाँ काम ही तो कर रहे की मटकू। हाँ भाई सटकू ठीक कह रहा, और हमने इस काम का डिप्लोमा कर रखा। डिप्लोमा? अरे क्यों बावड़ा बना रहे हो, स्कूल का मूवी देखा तुमने कभी? और आवाज हर में कोई हरकत? अरे तुम्हारे हाथों की कुटी हुई दवाई खा के तो देख, तेरी सारी बीमारी ना दूर हो जा। अरे तुम ही खाओ इस दवाई को, तुमने बढ़िया हिलट हो रखा आयु। और हम चले बावली बात। सपना वैसे खेतों पे आके कितना आनंद सा मिले। ये बात तो ठीक कह रही है मनीषा, तू खेतों पे आके शांति और सुकून दोनों मिलता है। हाँ और मैं तो अपने घर पे कह के आई कि मैं सपना के गल खेतों पे जाऊंगी साग लेने। अच्छा पर जल्दी जल्दी चल, तू तो कही आई, मैं तो कह के भी ना आई। के जल्दी जल्दी कर रही है, मैं कह दूंगी तेरे घर पे कि मेरी गल गई हूँ। परे को मर ले, दिखाई नहीं देता तुझे, कति अंधो होके चल रहा। तेरी आंख टूट रही, तू न मर सकेगी परे को, बोलू ना सुना तुझे, मेरे पे चिल्ला रही है। तू मर जाती परे को? एक तो तन्ने मारे टक्कर मार दी यार, मारती लड़ने लग रहा। और जानता ना तुझे मैं कौन हूँ, मैं अच्छे अच्छों को पानी पिला दूँ। हाँ पिला देना फिर, क्यों देर कर रही है, वैसे बहुत प्यास लग रही है। सपना यू तो घना ही बोल रहा, इसे पता ना दिखे यहाँ हमारी सरकार चले। इस गांव में मनोज की सरकार चले है, मनोज की। और साला मेरे सामने कोई बोल जा इसकी थूत ना बिगाड़ दूं। और तू इस गांव में पहले तो नहीं देखी मन्ने, है कौन तू? क्यों बताऊं तुझे, तू किस गांव का पटवारी लग रहा जो तुझे सारी जानकारी दूं? अरे पटवारी तो ना लग रहा, पर हमें भी तो पता होनी चाहिए कि हमारे गांव में कौन सी चिड़िया कहां तक आगे बैठी है। क्यों गांव का प्रधान है तू? अरे प्रधान ना तो प्रधान तक कम भी ना। अरे तुम लड़ने क्यों लग रहे हो, मैं बता दूंगी कौन है यार। हाँ तो तू बता दे फिर कौन है यार। यो भोपाल छुरिया की लड़की है जिन्होंने हमारे गांव में आके जमीन और सुक्के का घर खरीदा। अच्छा मैं जब ही तो कहूँ हमारे गांव में यहाँ बिजली जैसी कहाँ तक आ गई। जा चला जा, अन्नी तो करंट लग जावेगा। पता ना अब करंट तो किसके लगेगा।
घर को चल रहे, दिमाग खराब हो गया। क्यों, अब नहीं लाती साग? साग फेर लियांगे, वो तो कमी ना दिमाग खराब करके चला गया। चल मनीषा, कहाँ गई तू? मैं तो सपना की गल गई खेतों पे साग लेने। तेरे तो सो मेरा कह रखा है कहीं बाहर मत जाग रहे। घर से बाहर जाने में कौन से भूत चिपट रहे, और तू अपने काम से काम रखे कर। तू बहुत ज्यादा बोलने लगी, पिताजी तो कहनी पड़ेगी है। हाँ कह दिए जा। अरे थारे पे कौन सी आफत आ गई, क्यों लड़ने लग रहे दोनों के दोनों? देख ले माँ, पूरे दिन घूमती फिरे, कुछ कहवे तो बोलने ना देती, लड़ने को और आवे। माँ मैं तो सपना गिल साग लेने गई ही, और ये मुझसे आते लड़ने लग गा। अरे साग लेने गई थी, बता के गई थी मुझे, मैंने भेज दिया। हाँ तेने पिताजी के लाड प्यार ने तो बिगाड़ रखा है इसे, इसी दिन ये झूठ भारी पड़ जाएगी। अरे कुछ ना होने का तो खामो खा खड़ू काटो रखा है, जा अपना काम कर ले। खड़ू बता रही है। ओए, देख के चल रहा नारा दिखे। साले खुराक मांग रहा दिखे। तू देगा खुराक हमें, कभी उल्टी खुराक मिल जाता जाए। अच्छा रे, तू हमें खुराक देगा, जानता ना दिखे मैं कौन हूँ। जानू मैं तो ये बढ़िया ढाल के जुगाड़ है। आई सारा जुगाड़ बता रहा है, जब चला जाए देख लो तेरे। सारा चला जा, तू के देखेगा मैं सारा काम देखे। सारा मरना चाह रहा है यार। तेरा भैया वह कोठड़ी लेकर से 5 किलो तम्बाकू कही है तेरे काम वाला भैया आ गए। और मेरे भैया को तो यही काम है तम्बाकू लाने का। ले पी ले। माँ जी तुम रहन दो, मैं पानी पिला के खुद लगा दूंगी झाड़ू। कोई बात ना बेटी, मैं लगा दूंगी झाड़ू, तू पानी पिला दे। ओए मैडम, मैंने पूछ रहा वो नवाब कहाँ है, उसका पता कुछ? मुझे तो पता है ना, और तुम क्यों जुम्मे हुए रहे हो उसके, आ जाओ के आफत आ गई। आफत आ जाएगी जी भी बतावेगी, यूं भी तो बालक है, सब दिन काम लगे रहे, वो कुछ करवा देने के द्वारा घट जाएगा कुछ। पिताजी तुम्हें उसके कारनामों का पता ही ना, कल या पूजा बताई थी या रोटी लेके जाती, इन्हें देखा और रास्ते में किसी लोंडे को पीट रहा था, किसी दिन थाने चौकी दिखाऊंगा यू, सुधार लो, सुधरता हो तो। हाँ पिताजी, वो बेचारा तो मुझसे बस पानी मांग रहा था। बेटा ये सारी बात तो इसे बताओ अपनी माँ को, इन्हें धरा क्या सिर पे, कह नहीं देती उसे कुछ। मैंने के सिर पे धर रखा, मैंने कह रखी कि उस वक्त तू सबसे लड़ाई करता, फिर बेकार की बात करो। अरे माँ तू लड़ने को ना कहती तो तू उसे समझा तो सके, नहीं तो हाथ तली कर जाएगा, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। हे फिरियो इंगे तक इंगे। अरे भतेरा समझाऊं मैं, तू का क्या होगा मैं कहती ना। राम राम आजे भाई बैठ। हाँ भाई बता क्या काम आया। ताऊ मैं गाल में गुजार था, मेरे मनोज ने बेमतलब मारे। सुन ले अपने लड़ने की करतूत, आगे एक और फरमान। अरे तन्ने भी तो कुछ कही होगी, या बेमतलब ही मार दे तेरे मैं, इतना तो पागल ना हो जनू ही मार देगा तेरा। ताई मैं तो कुछ भी ना कही। अरे कही होगी, तेरे ध्यान ना, बेमतलब थोड़ी मार देगा तुझे हो। ना ताई मैंने कुछ ना कहा, मैं तो गाल में गुजार था बस। ठीक है बेटा, हम उसे समझाऊंगे। ठीक है ताऊ। हाँ शर्म तो नहीं आई तो जनू कहती, अगला कहन लग रहा मैं कुछ नहीं कहा गाल में गुजार लग रहा, और उसे रज्जी बोल के नहीं ना ना तय कर होगा मेरी गलवारी। पिताजी इसे सुधार लो, सुधार, शिकायत बढ़ती जा लगी इसकी, अन्यथा किसी दिन लेने के देने पड़ जाएंगे। बस मैं तो कह रहा सुधार लो, पर सुधारण वाली तो पूछ लो सुधार है ना सुधारती।
की बात है, आप तो सारे इकट्ठे हो रहे हैं, मुझे लगा मेरे जिक्र चल रहा है। पिताजी राम राम। राम राम, तू क्या कर रहा है? राम राम तो हम कर लेते, निंगे गोले से रहने की डब्बू, मौका लाऊं तेरा बर्फ। क्यों क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? वैसे शर्मिंदा हम कर रहे, तू कर रहा मैं? क्यों मैंने क्या कर दिया ऐसा? बेशरम, तन्ने उसका छोरा क्यों मारा या कहना आया? अब किसका छोरा मार दिया और कौन या कहना आया? पंचायत लगा रखी है यहाँ। मैं जब ना कह रही था, सब झूठ बोल रहा हूँ, तो मना कर रहा ना मारा? तेरी समझ में ही नहीं आवे, झूठ वो ना झूठ यू बोल रहा, अंक में है इसकी शर्म लिया? अरे नरक में तन्नू बता दे, कहीं उठन बैठन दोगे छोड़ देगा नहीं? अब क्या कर दिया मैंने? मैं थारे उठने बैठने से तुम्हें रोक रहा हूँ। अरे बता दे क्या किया इसने? अरे और क्या करेगा तू, तेरे रोज उलाने आवे, तेरे उलानो तक परेशान हो लिया पूरा घर, और एक ही भी वो आया था बिरजू का छोरा, तन्ने वो गाड़ में पीट दिया, ये भी गया उठ के वो। अच्छा वो लगा गाय है लंक, और उसने अपनी ना बताई होगी, मेरे चलते का टक्कर मारी उसने। देख लो मैं कह रही नहीं, उसने कुछ ना कुछ क्या ही होगी, कंधा मारा इसके, जब ही तो मारा इसने, मेरा बेटा पागल थोड़ी है जो वैसी पीटेगा उसे। पागल तो हम है, मान जा मैं समझा रहा तुझे, इतना सारा चोखा नहीं होता, मैं एक दिन मूड पकड़ के रोवगी, समझ में नहीं आ रही कोई चीज। अच्छा यू तो तेरे टक्कर मार के चले आ, और वो क्या कह रहा था कल जो तेरे खेत के रास्ते में पिटा? अरे क्यों खम्मा खा किसी से लड़ता झगड़ता फिर तू? अरे मैं क्यों लड़ता किसी से, जब मेरे आके भिड़े तो मैं क्या करूँ? तू ही हो रहा इतना बड़ा पहलवान, सारा काम तेरे आके भिड़े, अपने घरू रो धक्के खाने छोड़ दिए। अरे भाई कुछ ना दे रहा है बस तू, मैं जब देख मैं भी तो अपने घरू रहूँ, अपना काम धंधा करूँ, और तू फिर ऐसा बस दिन गारू में धक्के खाता। हाँ सारे ही ना घर बैठ जाओ, तुम तो बैठे हो घर में, और मेरी सुन बात, जितना काम हो ना मेरे पे मैं उतना कर लूँ। काम की ना कोई से, वो लाने जाने का ठेका ले रहा क्या इसने? अरे कर लेगा काम भी, बाप बेटा दोनों जान को आगे छोरे के, चल रहे तुझे रोटी दूंगी घर को चल। अरे खान दे रहे हैं रोटी? रोटी का हम घुमावेंगे तुझे, इसे घी शक्कर दे दिए रड़ा गए, घने बढ़िया काम कर रहा है यू, जा कर ले अपने। पिताजी तुम टेंशन ना लो, बालक है सुधर जगह। इतने में तू चौधरी बन गया फिर क्या? सुधर जगह बता रहा, दिमाग खराब करवा रहा क्या सारे के सारे ने? ये तो उल्हाना दूध दे रहा था, जीना बारी करा लग जगह, पता किसी दिन हला जाएगा ना कोई शक्कर दुबारी उनकी ना। एक सूट ले लो, सूट सूट ले लो, सूट सूट ले लो, सूट। ओ भैया भैया रुकिए। हाँ बहन जी। सूट कैसे दिए? सूट बहुत बढ़िया है बहन जी, देख लो 700 रुपए का। दिखा दो भैया। देख लो। लो बहन जी देखो। भाई सूट तो ठीक है, पर तुम बहुत महंगा बता रहे, 500 में तो बहुत बढ़िया सूट आ जा। क्या करूं बहन जी, महंगाई इतनी हो रही। पर भैया फिर भी बहुत महंगा है। देख लो। हाँ भाई, अरे क्या बेच रहा है? सूट है भाई। कैसे दिया है? देख लो सस्ता ही है बहुत। हाँ फिर जब यार सूट मांग रही, देता क्यों ना है? भाई मैं तो बेचने आ रहा, ले लो सूट। एक सूट के 700 रुपए मांग रहा। अरे क्यों ठग रहा है लोगों को, 200-300 रुपए में सूट आ जा, 700 रुपए मांग रहा। अरे तुम्हें हमारे काम में ले आके ठगने को? अरे मैंने तो एक सूट के 500 रुपए कह दिए। अरे तन्ने तो 500 ज्यादा कह दिए, और चल ले ले तू जोन सब्जी लेना हो। मुझे तो यू ही पसंद आ रहा। अरे यू पसंद आ रहा तो इसे ले ले, ले रहा 400 रुपया। अरे पन्नी दे रहे ले भाई, 400 तो बहुत कम है। अरे कुछ कम ना तो ले जा जाए। बहुत कम है 400। अरे कहीं और बेच लिए बहन जी, मैं ना दे रहा सूट, छोड़ जाए तेरे दिन से ही हो तो कहीं और बेच ले जाके सूट। आगरा गांव में दादागिरी बहुत चल रही है भाई यहाँ पे।
आ जाऊंगी। अरे भाई पंजाब में घर कहाँ? क्या बात भाई, अरे तू देर लासा क्यों हो रहा? अरे क्या बताऊँ भाई, इस गांव में दादा इतने हो गए, हम गरीब को जीना ही मुश्किल हो गया। अरे हुआ के भाई, तू तो बता। अरे भाई मैं तो कपड़े बेच रहा, इस गांव में एक लड़के ने सूट छीन लिया। तुम्हें मनोज ने तो ना कर दिया कौन? अरे क्या सोच लगा भाई? अरे कुछ नहीं सोच रहा, पर जब उसका कुछ पता कौन था भाई? ने तो मुझे पता नहीं कौन था, पर अपना नाम मनोज बता रहा था। यू नहीं सोच रहा कभी, ये तो कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। भाई तू प्रधान को तो रहने दे, और मजा मिलेगा मैं समझा दूंगा उसका। भाई बातों बात ठीक है, पर मेरे पैसे कौन देगा सूट के? अरे पैसे मैं दे दूंगा, बता कितने पैसे तेरे सूट के? भाई मेरे तो 300 रुपए हैं। अरे ले तू अपने 300 रुपए और भाई तू जा। ठीक है भाई। अरे यार ये तो गोबर भी पड़ा है। चल चल पिताजी। हाँ ओक्का भर दूं? ओक्का तो आवे तू नींगे को यहाँ बैठ पांड रात दो पांड के रा। पिताजी वहां गया था खाद का पता लेने, मैं सोच रहा कि मैं खाद गिर के भर दूं। भर दे मैनू कह रहा, लेट होने लग रहा, फिर बाल बूल चल गिर गिरा जाएंगे जो। अरे एक बात और सुन ले, इसे मनोज को भी कह दे अगर कुछ करण को, तेरे कहे तो कर लेगा, गणा राज्य हो गया कर लेगा, मेरे कहे तो 6 महीने से सोचता कहीं। अरे उसे के कह दूं पिताजी, वो किसी दिन ऐसा काम करेगा या तो हम चौकी थाने घूम के चक्कर काटेंगे और या किसी के सिर फुटेंगे। फिर क्या कर दिया? करके दिया, एक कपड़े वाला था बेचारा, वो कपड़े बेचता जा था, उसकी पिटाई विटाई कर दी और उसका सूट वूट ले गया छीन के। पता क्या करे सूट का? ये काम लग गया अब जा कर। हाँ मैं एक बात बता दूंगे, तो तुझे एक दिन गेर का हाल ले ठीक हो जाएगा, और नहीं तो मैं इसकी किसी दिन रिपोर्ट करने वाला। बस रिपोर्ट के करने वाले वही रोता हुआ प्रधान के दौरे जा लग रहा था, तो रस्ते में मजा मिल गया। मन ने उसे समझा बुझा के उसके पैसे वैसे दे कर जी भेजा। चल ठीक कर, बेटी चौथ पता नहीं क्या बुरा ही दुआ के मन लगा, जब जलाकरण धरती पे ना यू सारे करेगा सारे। रहो नवाब साहब एक बार देखो जा, देख सुपर शक्ति का जवाब है। हाँ बताओ क्या बात है? बताऊंगी बताऊंगी, पहले तो तू हमें बता दे, तू रहन देख नहीं रहन देख, तू न्यारा हो जा बस, और मेरे पे बत्ती फूक दे, नहीं तू बिल्कुल भी नहीं फूकने का। पुगने क्या कर दिया मैंने ऐसा? तो थारे पुगू ना हूं मैं? ये छोड़ रखा था करे बिना, बता रखा क्या रखा इसने? ये भी काम करे करेगा के फेंचे वाले के फेंचे लुटिया करेगा अब तू? अच्छा उसका जिक्र कर रहे हो, उसके तो साढ़े क्या कम लगे। बताओ जी 400 की चीज को 700 में दे रहा, गांव लूट रहा है गांव। इस गांव का तय ठहरा रखा के ठेका, कैसे तू बचा लेगा के? अगला काम कर रहा गांव बता रहा, गांव लूट रहा, गांव मारा है, मारा फर्ज बना है बचाने का। जो उनसे फर्ज है मैं कर ले पूरे, कौन सा ना कर रहा? घर का कर ले, अपने घर का कर ले, गांव का ठेका छोड़। तेरे थोड़ी बहुत शर्म लिया जो, और चाहता हो हम यहाँ रहू जा, वे काम कर ले जो उनसे करण के। यू भी तो है, यू घर का काम नहीं करता, तेरे पे क्यों नहीं होता घर का काम? कौन सा घर का काम ना करता मैं? मैंने कल था इन्हें चिलम ना भरी और गायों का निहार ना करा, बस तुम्हें मेरा काम ना दिखता इसका लिखे, ज्यादा लगाव हो रहा ना तुम इससे। तू चिलम की भी टाड़ कर दे और न्यार की भी टाड़ कर दे, बस एक काम कर दे, तुम्हारे कहे था हाथ जोड़ के करे, तू घरू रह लेकर घर ते बाहर न जाकर। अरे भाई इन लड़ाई दंगों में कुछ ना रखा, सुधर जा नहीं तो किसी दिन लेने के देने पड़ जाएंगे। हैज गांव में जो मेरे सामने बोल जा, सारे का मुंह ना तोड़ दूंगा। नो 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 इसकी मत कर, तुम क्यों दुखी हो रहे? जोड़ कर रहा गांव में कोई। गांव पे वो हाथ फेर रहा, इतना बड़ा नवाब हो रहा है यू। लो बैठ जाओ, दुखी हो रहे छोड़ रहा क्या इतना काम बैठने का? मैं तो एक बात कहूँ जो तुम मान लो, कोई लोंडी देख के इसके फेरे फेर दो,
और ब्याह हो जाएगा, जिम्मेदारी पड़ेगी तो सुधर जाएगा। यू जिम्मेदारी मान रहा जी, मान रहा जिम्मेदारी, जिम्मेदारी मानने का होता तो ये काम करा था गई जून से लग रहा करण घर की इज्जत का नाश लग रहा बेटी। यू काटना पड़ेगा किसी दिन गिर के समार के आजी। तू मेरा चित बता जा गिर के, एक दिन घरवा दे आज तो सही हो जाएगा। बोले बिना कितने सी टांग क्यों नहीं तोड़ ली मन में, कितने चैन ते बैठे नहीं तू, कितनी कुछ आमंद कर ली। अरे पिताजी मैं फिर कह रहा, कोई लुंडी देख के इसका ब्याह कर दे सुधर जगह। किसकी लुंडी के बाग फोड़ू इसका ब्याह करके, क्या हो जाएगा इसका। अरे दिमाग खराब हो गया, उठ तू भी चल जा सड़क की अंत खरे बैठे अट्ठी। इसका ब्याह ऐसे चुके भी ब्याह हो जाएंगे फिर टाड़ किसकी रहेगी भाई। अंगे लुटिया करेगा, राज नहीं करा करेगा, और ब्याह की बाट ब्याह की शर्म यत्ती से भी बता तू। पता नहीं बालक भी कहाँ चले गए दिखाई ना दे। अरे वो राहुल पता नहीं साबत दिन कहाँ फिरू जा, घूमता फिरू जा दिखाई नहीं देता। पापा। हाँ बेटा। देखियो मैं सूट लाई खरीद के, कैसा? सूट तो बेटा ठीक है, पर तू इसे लाई कहाँ से? पापा मैं सपना के पास जा रही थी, रास्ते में सूट बेचने वाला मिल गया, मैंने 400 रुपए में ले लिया। वो बात तो ठीक है बेटी, पर तू नू बता पैसे थे के तेरे पास? पैसे दिया ही उसके? पापा वो है ना मनोज, उसने दे दिए पैसे, उसको हम दे देंगे बाद में। अच्छा वो धर्मपाल का छोरा लाली, वो तो बहुत अनाड़ी है, ऐसो है दूर रहा करे। देखिए वो तो रोजाना उल्हाने लगता फिर जा ना। पापा वो सूट वाला तो 700 रुपए से कम ना हो रहा, वहाँ मनोज आया उसने 400 रुपए में सौदा करवाया। बेटी ऐसो के मुँह नहीं लगा करते, वो दबंग है दबंग। पापा मनोज ने उसके 2-3 मारे और कहने लगा यहाँ गाँव में लूट मचा रखी, उसे 400 रुपए दिए और 400 रुपए में सूट ले लिया। ले बेटी उसके ये 400 रुपए दे दियो, और ऐसा होता ज्यादा मतलब नहीं रखा करते। ले तू अंदर चल, और तुझे ना पता कुछ भी। क्या बात, आज तो नया सूट पहन रही है। यू तो नया ना है, पर मुझे एक सूट नया मनोज ने दिलवाया। अच्छी है जी, हमें नहीं पता था आजकल इससे लाइन चल रही है। अरे ना सपना ऐसी बात ना है, वो तो गली में कल सूट बेचने वाला आया है, 700 रुपए का दे रहा, मनोज ने 400 का लगवा दिया और पैसे भी उसने दिए। अच्छा तो बात यहाँ तक पहुँच गई। ए ना बहुत अच्छा लड़का वो, दे दूंगी उसके पैसे। हाँ हाँ अच्छा लड़का है वो, और पैसे तो वो तेरे से ले रही ना, वो और भी अच्छा हो जाएगा। और उस दिन तो इतनी लड़ रही थी उसकी गैले में। सपना तू भी कैसी बात करे, अच्छे को तो अच्छा ही कहा जाएगा। हाँ हाँ तो मैं कौन सा उसे बुरा कह रही हूँ, जब 2 दिन मिलते हैं ना तो ऐसे ही हो जाता है। तू तो हर टाइम मजाक करती रहे, चल आयो को। हाँ हाँ चल चल, पर यूं तो बता अब कद मिलेगा वो? अब चले आयो को या ना चले? कहाँ जा रही हो दोनों इन्नी? तुझसे मतलब, चल साइड हो। मतलब मतलब तो बहुत है मेरी जान। अरे जाने मन हमें देख के भाग रही हो, हम तो थार तो मिलना आए, हम कहाँ भागोगी? अरे एक बार हमें भी छू लेने दो। छोड़ कुत्ते मुझे, छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ कुत्ते छोड़ मुझे, छोड़ छोड़ कुत्ते छोड़ छोड़ मुझे छोड़। ओ दिलबर, अरे आजा मुझे छू ले। ओए चल निकल अपना काम कर अंदर, मैं कभी बनाऊं हीरो। अच्छा तू हीरो बनाएगा सामने मुझे। ओए ओए
हुआ पहला साला जुल्फी। कहां जो साले आना भाग्य साले आए हैं मजनू बनने। हाँ भाई तुम खड़ी हो और अपने घर जाओ। तेरा क्या हुआ? भागते भागते मेरे पैरों में मोच आ गई। मनोज अगर आज तू ना आता ना तो पता ना क्या हो जाता। अरे कोई बात ना, मेरा यार वैद है, डॉक्टर हो रहा है, तो वो सब ठीक कर देगा। तुम मेरी गल बाइक पे बैठो। अच्छा ज्यादा ही लंगड़ा रही है भाई। बैठ। तू पकड़ के बैठ जैसे। चलो वैसे एक बात तो है, इसके जड़ी बुट्टी कूटते कूटते आधा वेग तो मैं हो ही लिया, शायद पूरा भी हो जाऊं। कूट ही लूं। उतर बैठ। ज्यादा ही मोच आ रही है। हाँ अरे भगत तू क्या कर रहा है यहाँ? अरे मैं क्या करता, यू कूट रहा हूँ। और वो कहाँ मर गया? अरे फिर रहा होगा कहीं घास फूस ढूंढता, यू हमें और दे गया। तू बता तू कैसे आया? अरे मैं क्या बताऊँ, उसके पैर में मोच आ गई, पट्टी उट्टी बंधवा आया हूँ। तो इसकी चिंता क्यों कर रहा, यू तो मैं ही कर दूंगा, आधा वेत तो मैं हो ही लिया। पर तो खाट लठा के पहले बैठो जी तुम इस पे। बैठो छोड़ दे हाथ इसका। कौन सा पैर है? यू ही है जी। अच्छा यू है। आओ थम जाओ। देखो जी मोच तो होगी ठीक, मैं पट्टी बांध दे रहा हूँ। अरे बांध दे जो, आराम से काट दे मोच। यार काट तो दी, तू भी छो मेरे। अब क्या करेगा? पट्टी बांध दूंगा, देखता रह बस। तो दर्द ना हो रहा? थोड़ी देर हो जाओ, सुना रहा हूँ। तेरे पे भी आन लगी? सारी सीख गए हैं, और तो पूरा वेद बन जाऊंगा। भगत की बन लिया, वेद बन ले। सारी चीज करनी पड़े ऐसे मैं को देखते हुए। बांध जल्दी भर भी तो मारूंगा भी। यार तू भी लज था कभी तो प्यार से बात कर लेकर। दवाई भी देगा कुछ? दवाई की जरूरत ही ना। चल ठीक है तो चलो जी। पकड़िए भाई, घिसले अपनी घास पट्टी है। यार कुछ दावत वावत तो कर ही देता, पैसे तो देता नहीं तू। कमाई का हिल्ला ही ना आई, कोई फायदा नहीं अपना। भगता ही भी ठीक है, अब तो इतनी मत लगड़ावे। अभी भी दर्द है इसमें। तू एक काम कर, अब तुम अपने घर चली जाओ, अब मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है जा। मैं नो कह रहा था बागवान, वो राहुल कहाँ है? मुझे ना पता। नहीं पता? अरवा मनीषा कहाँ है? मनीषा तो मेरे से यूं कह के गई कि मैं अपने सेल लेके यहाँ जा रही। अच्छा
अरे राहुल भी सब दिन इंगे उंगे घूमता रहा, उन्होंने एक आध घर का हिल्ला भी कर ले। मनीषा कैसा लंगड़ासी रही बेटी, क्या हुआ तेरे पाँव में? पिताजी वो मेरे पैर में चोट लग गई। देखो कैसे लग गई चोट, यहाँ बैठाई से अभी आराम से ना बैठती। अंकल जी हम खेत को जा रहे थे ना, तो हमारे पीछे दो गुंडे भाग लिए और भागते भागते मनीषा के पैर में मोच आ गई। पापा वो तो मनोज जा रहा था बाइक पे और हमें देख के उसने बाइक रोक ली, उसने उन दोनों की इतनी पिटाई करी और वो दोनों भाग गए। है तो वो भी नालायक और निकम्माई, पर कदी कदी खोटा सिक्का भी बखत पे काम आ जावे। ना पापा मनोज तो बहुत अच्छा है, अगर आज वो ना आता ना तो पता ना क्या हो जाता। अरे ये पट्टे कहाँ बनवाए तन्ने? मम्मी वो मनोज ही अपनी बाइक पे बैठा के लाया और उसने एक देसी वैद्य को दिखाया, उसी ने बांधी यू पट्टी। बढ़िया, तो इनमें कोई सा भी ना बेटा ना बाप। इसके बाप ने तो हमारी बहुत खिलाफत करी। वो कैसे पापा? बेटा यो जो इस गांव में आके हमने जमीन खरीदी ना, वो ना चाहे थे कि जमीन मारे आवे। ऐसी बात ना है पापा, मनोज तो बहुत अच्छा लड़का, पर भगवान तो पता ना कैसे बुद्धि फेर देगा। मनीषा ठीक कह रही है अंकल जी, और क्या पता चला तुम्हारे और उनके संबंध अच्छे हो जा। छोड़ो इन बातों को, चलो अंदर रोटी खाइयो। आंटी जी मैं तो घर जाऊं, बहुत देर होगी। ठीक है मनीषा, अपना ख्याल रखना।